55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैं अपनी जानिब से अजमत इकबाल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ एक अच्छे अफसाने की। अफसाना मुझको समझता नहीं है, मैं इसका हर बार इजहार करता हूँ कि अफसाना मुझको इतना अच्छा मतलब समझ में आता हूँ। इतना तो है कि सुन लेते हैं, लेकिन जब ये तबसरा होता है ना तो कई सारी चीजें खुल जाती है। जब अजमत इकबाल साहब यहाँ पर अफसाना पेश कर रहे थे ना, तो वो मंजर जिस पर ये दोनों साहबान ने इख्तलाफ किया कि वो तवील हो गया, मुझे बड़ा महसूस हुआ, मैं बहुत महसूस हुआ। यानी हकीकत है ना, वो रिक्शे में वो मिरर में जो वो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं देख रहा हूँ मिरर में। यानी इतनी अच्छी पेशकश, ये पेशकश। और जब इन्होंने इतराज किया ना कि वो तवील हो गया, तो मैंने बैठे बैठे ये बात महसूस की और मैं बोलने भी वाला था, लेकिन मैं डर रहा था क्योंकि मेरे को अफसाना समझता नहीं है। वो जो उंगली जख्मी करने का मामला हुआ ना, वो इतना मिरर की सीन और रिक्शे की सीन के बाद ही हुआ, नहीं तो वो उंगली जख्मी हो ही नहीं सकती। सही बात, सही बात है। वो मुझे इतना समझ में आया, मैं लगा क्या क्या समझे यार, क्या समझे और उसके बाद जिस वक्त में बल्कि सर ने यहाँ पर वो तबसरा किया, तो वो फिर बहुत अच्छे तरीके से मुझको बहुत अच्छे तरीके से अफसाना समझ में आया। मैं जहाँ अफसाना पेश करने वाले अजमल इकबाल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वही तबसरा निगारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि भाई आप लोगों के चंद अल्फाज सुन के जो है हमें जो कुछ नहीं समझा होता वो समझ में आ जाता है। यहाँ पर मैं सर मोहतरम से गुजारिश दरख्वास्त के जैसे कि 5 कलमकारान का ऐलान था और बाकायदा हुआ भी, सारे कलमकारान हो गए। शब्बीर माहिर साहब वो बैरूनी शहर थे, वो अचानक हो गए आ गए, तो एक अफसाना उनके पास भी अगर इजाजत सर साहब थे वे, तो मैं उनको भी पेश कर। बैरूनी कहाँ आए, वो तो यही की हाँ नहीं मतलब वो बैरूनी शहर थे, अभी आए हैं बैरूनी शहर। आइए मैं शब्बीर माहिर साहब मुख्तसर अफसाना है उनका भी। ऐसा क्यों है, यही रहते हैं। हाँ तो अभी तो बना लिया ना, एक अफसाना शुरू करने से पहले बताया था। एक अफसाना निकालना अफसाना पड़ा और उसके बाद बैठा तो लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। भाई माफ कीजिए, पढ़ता तुम्हें सर में बहुत दर्द था। कोई कहता है कि हाँ भाई वो दर्द बहुत तकलीफ हो गया है, तो ऐसा ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं बहुत ज्यादा तवील नहीं पेश करूंगा, छोटा सा है। दुनिया का सबसे बड़ा मसला मसला दुनिया का सबसे बड़ा मसला 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 प्रॉब्लम समस्या नेता सुखी राम जब स्टेज पर आए तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा, फिर हस्ब दस्तूर चेले चपाटे नारे बुलंद करने लगे, हमारा नेता कैसा हो, सुखी राम के जैसा हो, सुखी राम जिंदाबाद, सारी जनता करे प्रणाम। नेताजी सुखी राम स्टेज पर आने के बाद माइक के करीब हाथ जोड़ते हुए सबको प्रणाम करने लगे, फिर हाथ हिला कर दादे से तहसीन देने लगे, फिर उन्होंने माइक संभाल लिया और कहने लगे, साथियों पिछली हुकूमत ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार हमारी पार्टी अगर कामयाब होती है तो हम पीने का साफ पानी जो इस गांव का मसला है, बड़ा मसला है, उसको हल करेंगे। दूसरा मसला सड़कों की मरम्मत, अब सबसे अहम मसला बेरोजगारी है, शराब नोशी एक मसला है, नशा क्या है, वक्ती और लम्हाती खुद फरामोशी, ये शराब नोशी क्यों, इसकी वजह गुर्बत और बेरोजगारी का दुख है। बहरहाल इसको तर कर दीजिए। नेताजी ने दरमियान में तकरीर रोक कर इधर उधर देखा
जोरदार तालियों से पंडाल फिर गूंजने लगा। नेताजी को प्यास लगी थी, इनके पीछे इनका वर्कर खड़ा था जो बड़ा बड़ा दूरंदेश था, वो बोरन समझ गया और उनके आगे मिनरल वाटर की बोतल लाकर रख दी। साफ पानी गटगटाने के बाद नेताजी फिर शुरू हो गए, हाँ तो मैं कह रहा था पानी और सड़कों की मरम्मत के मसले अपनी जगह हैं, मगर सबसे अहम मसला जैसे कि मैंने बयान किया बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी बड़ी बुरी चीज़ है, यही तो गुर्बत लाती है। घर के बर्तनों को, हत्या के सुहागन के जेवरों को बिकवाती है, यही वो शय है जो किसानों और मजदूरों को मकरूज बनाती है और खुदकुशी की जिम्मेदार बेरोजगारी है। फलक शगाफ तालियों से जमीन गूंजने लगी। नेताजी मजीद जोश में आ गए और अपनी कही हुई बात दोहराने लगे, जिम्मेदार यही बेरोजगारी है। हमारी पार्टी इन तमाम सामाजिक मसाइल को 2 साल के अंदर हल करके दिखाएगी, मगर साथियों सबसे बड़ा मसला जानते हो क्या है? बच्चा मजदूरी। आज तुम्हें बहुत अफसोस होता है, आज हमें बहुत अफसोस होता है जब बच्चों को कारखानों, खेतों, मिलों, शराबखानों में काम करते हुए देखते हैं। बच्चा मजदूरी सच पूछो तो हमारे मिलजुल के लिए सबसे बड़ी लानत, इसका खात्मा होना चाहिए। ये उम्र बच्चे के लिखने पढ़ने और खेलने कूदने की है, इनकी मासूमियत को कत्ल करने का किसी को भी हक नहीं, कतई हक नहीं। अब की बार तालियां और सीटियों की जोरदार आवाजें गूंजने लगी, सब वाह वाह करने लगे। नेता सुखीराम अपने गुर्दों के साथ अपनी एयर कंडीशन कार में रुकत हुए, रास्ते में उन्होंने कहा तवजे जाम आसान निकाल जो है उनसे यहाँ थे, उन्होंने कहा कैसा फटीचर गांव है, कैसा फटीचर गांव है, ना चलने की तमीज ना बैठने की तमीज, जगह जगह थूकते हैं, रातों को जागते हैं, दिन में सोते हैं, बात बात में गालियां बकते उछालते हैं, क्या फटीचर गांव है ये, 100 साल तक सुधर नहीं सकता। हम जब जल्दी से एक पैक बना 12-15 साल का बच्चा, यतीम बच्चा हम तक इसमें शराब उड़ने लगा, शराब गड़गड़ाने के बाद सुखीराम रुमने लगा, इसके सारे चमचे और चेले चपाटे मदहोश थे। सुखीराम ने कहा मेरे साले ने सारंगी इलाके में शराब का अड्डा कायम कर रखा है, इसमें 10-15 बच्चों की जरूरत है, इंतजाम हो जाएगा हो जाएगा। साला कुछ नहीं तो बेरोजगारी का मतलब कम हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, गुर्गे बार बार यही तकरार कर रहे थे। सालों काम करो काम, सिर में हाँ में हाँ मिलाने से काम नहीं चलेगा, सुखीराम ने डांटते हुए कहा। फिर सुखीराम को खुद ही हंसी आ गई, क्योंकि उसके गुर्गे नशे में चलेगा चलेगा की गर्दान करने लगे थे। अफसाना खत्म। जब भी माय साहब अपना अफसाना पेश कर रहे थे, इस पर जो साहबान करना चाहेंगे, अखबार की एक रिपोर्ट है कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ, आया और तकलीफ करते चला, न उसमें कहीं पर जज्बात है, न मुसन्निफ का कहीं कोई पंच है, कोई हिस्सा नहीं, कोई मंजर निगारी नहीं है,
और ना क्लाइमेक्स का इन्हें उत्थान है कि वो क्लाइमेक्स तक पहुंचे हो, वैसे ही आया वैसे ही गुजर गया। आप अफसाना निगार हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कितने जगह थी उसमें, कितने ऐसे मौके थे कि वो एक से एक पंच रख सकता था वहाँ पर। यानी मुसन्निफ वो खड़ा हुआ देखा गांव को, उसके बाद मुसन्निफ के लिए पूरा मैदान खुला था, मंजर निगारी थी, जज्बात निगारी थी, उसके सब कुछ का मौका था, सब जाय करके आपने एक सहाफती रिपोर्ट को पेश कर दिया और अफसाने के नाम पर। मुझको बहुत अफसोस से ये सब इसे कहना पड़ रहा है कि मैं इसको अफसाना कबूल करने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं हूँ, मेरे अपने जज्बात हैं। हाँ, तो अपना अपना ख्याल है, जी, जी, ख्याल अपना अपना। जी जी, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि मैं जब अफसाने लिखता हूँ तो कोई ना कोई नफ्सियाती मसला, समाजी मसला या कोई फलसफा या कोई ख्याल ये मेरे पेश नज़र होता है। और वाकई मानों में उसके अफसानों में कफन से ले के जो है कौदान तक हम देखते हैं इन्हें है ही कोई ना कोई नफ्सियाती मसला है, चाहे उनके नावल हो चाहे उनके अफसाने हो। तो मैंने भी एक कोशिश की है, अब उसको अफसाना ना ही मानता तो कोई बात नहीं, बड़े यार इसको तो अफसाना बोल के हम छपवाएंगे भी और दुनिया से मनवाएंगे। उनको पढ़ के बोला भी था कि आप बोलेंगे कि मैं बोलूँ, और जो मैं बोलना चाहता बराबर उन्होंने कहा। इतनी बात सही है कि सब्बीर माहिर साहब के अंदर लिखने की एक टैलेंट है, डायरी से बेहतरीन तरीके से अफसाने वगैरह लिख सकती है। और ये अफसाने जैसे उन्होंने कहा था मेरे बयान में, तो लीडर जो रहते हैं बोलते कुछ है करते कुछ है दुनिया जानती है ना, वो कोई अफसाना नहीं हुआ ना, वो तो एक बयान हो गया, एक लीडर ऐसा है बोलता यहाँ कुछ है पीछे कुछ रहे, ऊपर कोई खास बात नहीं। लेकिन एक बात है कि सब्बीर माहिर के अंदर लिखने का एक है, हुनर है, काबिलियत है, चाहे तो बेहतरीन अफसाना तहरीर कर सकते। वो प्रेमचंद बन गया था। उसको हैरत भी हुई कि वो तब जो बोलने पहुंचे थे वो कफन और गोदान की बात कर रहे हैं, जो है वहाँ से कफन फाड़ कर निकली है और आप हवाले का भी इतना बड़ा नाम पेश करेंगे ऐसी तहरीर के लिए मुनासिब नहीं है। और गोदान में तो गोदान है सर, हम उसको पढ़े वास्ते तो सर घूम सकते हैं, ऐसे तो उसकी मिसाल भी नहीं पेश करनी चाहिए। बल्कि सर ने जो कहा सहाफती रंग आपकी तहरीर में शुरू से अखीर तक एक रिपोर्ट है, एक तजियाती रिपोर्ट है, आप उसको तस्वीर पर पेश करते हैं कि इसके अंदर अफसानापन है नहीं। साथ ही साथ ही सहाफत से जो मुंसद जानते हैं कि जो देखते हैं वो लिख डालते हैं, आपने वही किया जो वो लिखा, आप घूमने जानते हैं कि लीडर ऐसे ही होते हैं। तो आप क्योंकि सहाफ़ किताब में सर, तो आपको चाहिए कि ऐसी तहरीरें का मतलब अफसाने का नाम का ना पेश करें। आइए इस मौके पर हम खुतबाए सदारत की ओर बढ़ते हैं। उससे कबल मैं चाहूँगा कि अगर अहमद अयूबी साहब अगर कोई जिंदा चल रहा है और खुतबाए सदारत से कबल मैं यहाँ पर एक ऐलान करना चाहूँगा कि कल इसी जगह पर शाम में 9 बजे जो है एक किताब की तकरीब इजरा है, जज़ायर एंडोमान निकोबार मुशाहदात मालूमात दूसरे एडिशन का इजरा है, जिसमें वतन अजीज की तहरीक आज़ादी में काला पानी जेल की अहमियत और तफसील बयान करने वाली किताब माँ अहम दस्तावेज़ की किताब में सारी चीज़ें हैं, वो सारे मौजूद मेहमान के नाम भी यहाँ पर दर्ज हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जरूर कल शाम 9 बजे इसी हॉल में यहीं पर तकरीब इजरा में भी आप जरूर शिरकत करें। आइए मैं बड़े अदब एहतराम के साथ आज के सदारत फरमा रहे मोहतरम हारून अख्तर साहब को मदऊ करता हूँ कि तशरीफ लाएं, खुद में सदारत भी पेश करें और तकलीफ पर तबसरा।
55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।